साथियों नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए इस कोरोना महामारी के संकट काल में अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। आज मैं जीडीएस साथियों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि जीडीएस का क्या अर्थ है। हिंदी में इन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। इनके चार प्रकार हैं, जैसे जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम, जीडीएस पैकर और जीडीएस एमसी। इनके कार्य इस प्रकार हैं। बीपीएम का कार्य शाखा डाक घर में बैठकर किया जाता है काम। एबीपीएम को डाक बांटनी पड़ती है। पैकर को एसओ में लगा दिया जाता है, उससे पैकर या एमटीएस वाला काम लिया जाता है, तथा एमसी को मेल कैरियर का कार्य करना पड़ता है। ऐसा देखने में आया है कि लड़कियां एबीपीएम का फार्म तो भर देती हैं, परंतु जब उन्हें पता लगता है कि हमें डाक बांटनी है तो वे अपने आप को ठगा ठगा महसूस करती हैं। और ज़्यादातर लड़कियां या तो ज्वाइन ही नहीं करती या ज्वाइन करने के बाद में कार्य करने में असमर्थता जाहिर करती हैं। इसलिए लड़कियां कोशिश करें कि या तो वो बीपीएम या पैकर की पोस्ट के लिए ही आवेदन करें, ताकि ना तो उनका नुकसान हो और ना ही विभाग का, क्योंकि वो सीट खराब कर जाती हैं और अगली वैकेंसी निकलने तक। इसलिए बिल्कुल मैंने ये सारी बात डिटेल में बता दी है। इस समय बिहार व महाराष्ट्र सर्कल में काफ़ी वैकेंसियां निकली हुई हैं, उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन 10वीं के नंबरों के आधार पर ही होना है। कोई कंपटीशन या परीक्षा नहीं देनी होगी। इसलिए नंबरों के आधार पर अगर कोई विभाग सिलेक्शन करता है तो वो है पोस्टल डिपार्टमेंट ही या डाक विभाग ही इस तरह की भर्ती करता है। डाक विभाग में एंट्री का ये एक अच्छा माध्यम है। बाद में प्रमोशन लेकर आप उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। इसलिए पद को छोटा ना समझें। मैं तो यही कहूँगा कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। निकलते हैं जिंदगी में जो नए इरादों से, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इसी इरादे के साथ आप आवेदन कीजिए, मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।